अच्छा राजेंद्र, अब यहाँ हमें कहाँ अच्छा अच्छा जानवर देखने को मिलेगी और बहुत सारा पंछी जैसे हम कभी उसको देखे नहीं है रियलिटी में, लेकिन हम उसको नजदीक से सामने से देखना चाहता हूँ, तो कहाँ मिलेंगे उसको? इधर आगे में दिखाई मिलेगा आपको। इधर जाना पड़ेगा क्या? ये देख लो भाई, ये मेरे भाई इधर इससे पहले आया हुआ है, तो इसके साथ मैं जा रहा हूँ अभी। और ये बोल रहे हैं कि इधर जानवर बड़ा बड़ा, इधर बोल रहा है टाइगर भी है, तो चलो भाई आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फिर टाइगर छूट जाएगा भाई। अगर आपको टाइगर को देखना है ना तो फिर वीडियो को स्किप ना करें और धीरे धीरे देखते रहें। मैं आपको टाइगर दिखाता हूँ। क्या है वहाँ पर भैया? टाइगर। क्या है? टाइगर है क्या? टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है मतलब वो टाइगर दहाड़ रहा है, तो टाइगर को मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो पर बने रहो भाई। ऑन प्लस 60 प्रो में दिखा देंगे, बहुत महंगा। वीडियो पे नहीं बने रहेंगे, अगर स्पीक करेंगे स्किप करेंगे तो आपको वीडियो फिर टाइगर देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में नहीं करना मेरे को। किधर है टाइगर? टाइगर किधर है भाई? पीछे से टाइगर आ गया क्या है भाई? यहाँ से जीवन देखी हुआ और दिल्ली वाला काउंट क्या है इधर? घूमता देखने बैठ जाए कैमरा की कैमरा। अब मैं आपको टाइगर दिखाऊंगा, टाइगर। अरे वो तो फॉरेस्ट पिकॉक है, बट इसका नाम क्या है? एक्चुअली नाम क्या है इसका? काफी बड़ा है क्या? है ना? इसको अगर अपने अगर ये अंडा देगी तो कितना बड़ा देगी भाई? आधा के जी। भाषा में कहा जाए तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? बड़ी मुर्गी, शुतुरमुर्ग? ये शुतुरमुर्ग नहीं, नहीं ये नहीं 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 शुतुरमुर्ग नहीं हो सकता भाई, क्योंकि शुतुरमुर्ग इससे भी बड़ा होता है, मैंने भी इससे पहले देखा हूँ कहीं। ठीक है, और ये तो काफी बड़ा है, तो भाई पांडे जी इसका कितना बड़ा बच्चा हो सकता है, थोड़ा बोल सकते हो भाई? बोल थोड़ा बोलो यार। अप्रोक्सीमेटली 1 kg। हिंदी वाला इस तरह कमेंट्री देते ना, बहुत लोग हंसते थे, मजा लगते के। अच्छा पांडे जी, ये जो आप देखे हैं पंछी इतना बड़ा था, क्या है? बहुत बड़ा था ना? बड़ा था। तो उसका अंडा कितना बड़ा हो सकता है बताओ तुम? उसका अंडा तो आधा केजी होना चाहिए। आधा केजी। और इसका बच्चा लगभग 1 kg का अंडा। आधा केजी तो बच्चा है, 1 kg कैसे होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या गाइस आप कमेंट करें और बताएं कि अगर वो अंडा अगर आधा आधा किलो हो सकता है। अच्छा सुनो हमको, अच्छा राजेंद्र पांडे जी बोल रहा है कि वो आधा किलो का अंडा हो सकता है पंछी का, ठीक है? पंछी का अगर आधा किलो अंडा हो सकता है तो ये बोल रहा है उसका बच्चा होगा तो 1 kg होगा। ऐसा कैसे संभव है कि आधा किलो अंडा है और अगर वो निकलेगा तो 1 kg का निकलेगा, ये कैसे संभव है? आप बता दो शब्द रखो, क्या गलत बोल रहे हैं? आप बता दो शब्द रखो, मूवमेंट तो खराब है। अच्छा आप इसके बारे में क्या ख्याल है बता? हम बोल रहे हैं कि वो आधा किलो का अंडा है, 1 kg का बच्चा निकलेगा, कैसे निकलेगा आप बताइए थोड़ा? क्योंकि वो बच्चा 15 दिन बाद अंडा से निकलता है,
इसलिए वो 1 किलो का होता है। ओह यार मैं कंफ्यूज में था, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि वो 15 दिन के बाद निकलेगी। चलो बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है। तो गाइस देख लिया आपने, एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कोई जवाब नहीं दे सकता इसका क्वेश्चन का, ये खुद जवाब देते हैं अपने क्वेश्चन का। ठीक है, इसका नाम है पांडे जी, आप थोड़ा देख लीजिए, इसका मुंह भी बड़ा बड़ा है, इसका पहचानने का इसको हम देख लो। ये पांडे जी है हमारा। हाय दोस्तों, अब मैं आपको इस पार्क में सांड, उसको हम अपना देहाती भाषा से सांड बोलते हैं, देहाती क्या हिंदी भाषा से भी इसको सांडे बोलते हैं। क्या पांडे जी क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं ना पांडे जी गुड। तो आप भी क्या बोलते हैं? ये सही बोल रहे हैं? सही है, एब्सोल्युट राइट। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लो मेरे पीछे जो है वो सांड है। सांड बाबा? सांड क्या है? बाबा नहीं है, अफ्रीकन सांड है। ये देख लो भाई, ये जो मेरे पीछे है ना वो सांड है। ए राजेंद्र जूम नहीं हो रहा यार, सांप है क्या? ए जूम नहीं हो रहा यार, जूम करो इसको। नहीं होते, जूम करो ना। ए अल्प हेल्प कर। हां नहीं हो रहा, एको नहीं हो रहा, वीडियो स्टार्ट हो गई ना। तो पॉइंट ऑफ करो ना। ये देख लो भाई, वो सांड है, इस पार्क के अंदर सांड भी रखा हुआ है। तो पांडे जी आपको सांड देख के कैसा लगा भाई? सांड देख के यही फीलिंग हो रहा कि हमारे राजेंद्र भी किसी सांड से कम नहीं है। इसको सांड बोल रहा है इंद्र, उसका क्या ख्याल है आपका? सांड बोल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैमरा के हम देखा। ये देख लो हमारे पीछे जो है वो सांड सब है, काफी बड़ा बड़ा है। हमारे गांव देहात में जो रहता है उस तरह का नहीं है, ये हमारे गांव देहात से थोड़ा ज्यादा है। ये अफ्रीकन सांड इसको बोलते हैं। और गाइस ये वीडियो आपको देख अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल में नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा जितना भी वीडियो अपलोड मैं करूं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में घंटी का बटन है उसको भी दबा लें ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।